प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आ रहे अतिथियों के स्वागत सत्कार के लिए इंदौर द्वारा पधारो महरे घर की अनूठी पहल की जा रही है, जिसके तहत आईडीए यानी कि इंदौर विकास प्राधिकरण से संपर्क कर इंदौरी अपने घर प्रवासी भारतीयों को ठहराने के प्रबंधन में खास भूमिका निभा सकते हैं। वहीं इसके लिए इंदौर विकास प्राधिकरण ने अतिथि ऐप लॉन्च किया है, जिसकी मदद से इंदौरी अपने घर पर प्रवासी भारतीयों को ठहराने के प्रबंध में खास भूमिका निभा सकते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियों का सिलसिला, अतिथि सत्कार के लिए पधारो मारे घर की पहल, मेहमानों को ठहराने में खास भूमिका निभाएंगे इंदौरी। इंदौर विकास प्राधिकरण ने लॉन्च किया अतिथि ऐप। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आगामी 8, 9 और 10 दिसंबर को होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारी जारी है, जहां इस बीच आईडीए यानी कि इंदौर विकास प्राधिकरण की ओर से अतिथि ऐप लॉन्च किया गया। ऐप लॉन्चिंग के दौरान कलाकार राजीव नीमा, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर दिव्या गुप्ता, जितेंद्र मुछाल और डॉक्टर अनिल भंडारी समेत शहर के प्रबुद्धजनों के साथ ही आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस ऐप की मदद से इंदौर वासी पधारो मारे घर की अनूठी पहल को साकार कर सकेंगे, जहां शहरवासी प्रवासी भारतीय मेहमानों को अपने घरों में रुकवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वो बहुत अनूठी है दोनों तरफ से, एनआर गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो वो इसकी काफी ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर रहे हैं। तो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, शायद 80 से 100 देशों से एनआरआईज यहाँ आने वाले, आंकड़े पता नहीं बट होना चाहिए करीब 3000 के करीब। और जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के लोग, जैसे ये आयोजन हो रहा है, 56 दुकान वाले, भोजन कराने वाले, ये इसका अनूठा पान है। ये कह पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आई एम श्योर बहुत एमईए मतलब जो भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर पूरा ध्यान रख रही होगी और जो भी आवश्यक कदम जिस समय पर उठाने होंगे वो जरूर उठाएगी, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। क्योंकि दोनों तरफ अभी तो आज की तारीख में तो मैं नहीं कह सकता, बट ये तो इवॉल्विंग डेटा है और आई एम श्योर सारी गवर्नमेंट जिस तरह से मेडिकल इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन कर रही है, अमेरिका का मुझे मालूम है क्योंकि आज ही सुबह मैंने अमेरिका में बात की। मैं सिर्फ अमेरिका की बात कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे ऐसा सच अभी कोविड की कोई परेशानी नहीं है, नॉर्मल लाइफ चल रही है। सतर्कता जरूर बढ़ गई है बिकॉज वो सभी लोग पढ़ रहे हैं, बट बाकी नॉर्मल लाइफ चालू है। इंदौर में जैसे ही मुझे खबर पड़ी 3 महीने पहले कि प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर होने वाला, पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पहले तो आंखें मल के उसको 2-3 बार खबर को पढ़ा। क्योंकि जैसा जितेंद्र जी ने बताया कि Tier 1 cities जो बोलते हैं ना, महानगर जो हिस्टोरिकल, इंदौर, दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, लेकिन इंदौर का उसमें आना अद्भुत है। और मेरे जैसे आदमी के लिए जो अपने नाम के आगे राजीव नीमा इंदौर ही लिखता है, उसका खुद का सीना भी 56 इंच का हो गया था। तो मैंने कई चीज़ों मैंने स्वयं का हाथ लिया, जो मेरी फॉलोअरशिप है मैंने अपनी तरफ से ही आमंत्रण दे दिया, मोदी जी के बिहाफ से, शिवराज जी के बिहाफ से और इंदौर की जनता के हिसाब से बिहाफ से। तो मैं बहुत खुश हूँ और फिर वो मैसेज बहुत जगह पहुँचा है ना, और इंदौर के लोगों की जो आत्मीयता है, जो दिल की बात करते, आप किसी से भी पूछो कि इंदौर बाकी सबसे क्या अलग है, वो प्रेम भाव है। और वो प्रेम भाव आज के कार्यक्रम में भी दिखता है कि ये सोच भी कैसे लिया कि इंदौर के लोगों ने बोला कि अतिथि हमारे घर रहेगा ना, होटल में रहने की क्या जरूरत। इंदौर विकास प्राधिकरण अनूठी पहल को लेकर आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। इंदौर शहर इससे जुड़ना चाहिए, कैसे जोड़ा जाए, तो जैसे हमारी भारतीय परंपरा है कि हम अतिथि को देवतुल्य मानते हैं और इसलिए उनका उसी प्रकार से स्वागत करें, और उसी में से ये विषय आया कि हम अपने घरों पर उनको ठहराएं। तो मालवी जो परंपरा है और मालवी की जो मिठास है उसका आभास कराते हुए एक टेक लाइन तय की, वो थी पधारो मारे घर, मेरे घर पर आइए, मेरे घर पर ठहरिए, ये घर भी आपका ही है। ये भाव उनके बीच में जाना चाहिए और इसलिए पधारो मारे घर के माध्यम से हमने विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर आज जो यहाँ ये ऐप लॉन्च किया है, ये वहाँ डाउनलोड किया है, और इसके माध्यम से समस्त प्रवासी भारतीय जिनका यहाँ आने के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है, वे सभी लोग इसको देख करके और जो होम स्टे चाहते हैं वो इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। साथ ही साथ जो बंधु उनको अपने घरों पर ठहरना चाहते हैं वे भी इस पर अपनी जानकारी देंगे। और हमारी भूमिका ये होगी कि जो बंधु अपने घरों पर ठहरना चाहते इंदौर शहर के वो, और जो प्रवासी भारतीय बंधु उनका अतिथि स्वीकार करना चाहते
उनके बीच मध्यस्थता करके, उनका आपस में संवाद करा करके और उनको यहाँ अतिथि देव भव यह सौभाग्य उस परिवार को दिलवाने का काम इंदौर विकास प्राधिकरण ने अपने हाथ में लिया है, उसके लिए आज यह ऐप लॉन्च हुआ है आपके सबके सामने। कुल मिलाकर देखा जाए तो IDA यानी कि इंदौर विकास प्राधिकरण से संपर्क कर इंदौरी अपने घर प्रवासी भारतीयों को ठहराने के प्रबंधन में खास भूमिका निभा सकते हैं। वहीं इसके लिए इंदौर विकास प्राधिकरण ने अतिथि ऐप भी लॉन्च किया है, जिसकी मदद से इंदौरी अपने घर पर प्रवासी भारतीयों को ठहराने के प्रबंध में खास भूमिका निभा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।